नमस्कार, मेरी पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पाठक। इस वक्त मैं प्रतापगढ़ में हूं। मैं चुनावी कवरेज के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था। इतने में मैं सड़क से देखा कि ये 33/11 KV विद्युत उपकेंद्र ढकवा नगर प्रतापगढ़ है, जिसमें भारी संख्या में भीड़ थी। हम यहाँ पर आए, लोगों से बात किया तो जाना कि यहाँ पर जो लाइनमैन थे उनकी करंट लगने से मौत हो गई है, जिससे यहाँ पर लोग घेरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और बहुत सारी बात है, क्या कुछ बातचीत है हम इनसे ही करेंगे। इनके भाई साहब, आप भाई साहब हैं उनके, क्या नाम आपका? हमारा नाम सुरेंद्र निषाद है। कहाँ के रहने वाले हैं? छतौना के। कौन थे जो इंस्पायर हुए हैं? हमारा छोटा भाई था। कैसे क्या हुआ, पूरी घटना के बारे में जानकारी? तो पूरी घटना के बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ। तो सुबह वो सो के उठा था, लेटरिन बाथरूम हुआ, ब्रश किया, तो उसके बाद घर पर ही था। तो रवि उपाध्याय जो कि पूरा के निवासी हैं, उन्होंने फ़ोन किया उसको। हाँ, फोन नहीं किया, घर पे आया वो। क्या रवि उपाध्याय यहीं पर रहते थे? हाँ, विद्युत यहीं पे रहते थे। उन्होंने हाँ कर्मचारी हैं, जो कि हमारा भाई कुछ भी नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर में है, वो जैसे काम करता है विद्युत विभाग में काम करता था जैसे जहाँ उसको मिलता था ये लिवा के जाते थे, वो काम करवाते थे उससे। जो यहाँ के SSO हैं, सब स्टेशन ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, वो कौन है? वो कौन है उसको हमको नहीं मालूम है, लेकिन वो नाम में चाचा आगे आ जाए। SSO का क्या नाम है? हाँ, सुखेन यादव ऑपरेटर है। ये तो उनका काम है ना, ऑपरेटर का काम? हाँ, तो ऑपरेटर का ही काम है, उसका सिट डाउन काटना काम है और उसका देना काम है और उसका लिखना भी काम है। लेकिन उन्होंने सिट डाउन दिया नहीं, मतलब सिट डाउन दिया, वो चढ़ गया, उसके बाद करंट तुरंत चालू कर दिया। मतलब आप लोगों का कहना है कि आपके भाई साहब सिर्फ यहाँ रहते थे, जबकि यहाँ का नहीं रहते थे। हाँ, वो प्राइवेट सेक्टर में काम करता था, जैसे आप कर्मचारी हैं। लेकिन ये सारा काम तो SSO का होता है ना, जो सब स्टेशन ऑपरेटर होता है उसका काम होता है। लाइट के बारे में उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके पास डिग्री होती है, तब वो काम करता है ना बिजली विभाग के बारे में। 10 रुपये डिग्री खाली जेल छोड़ के डिग्री नहीं आई है। यहाँ किसी की डिग्री नहीं है, यहाँ सब ऐसे नौकरी कर रहे हैं। डिग्री किसी के पास नहीं, सब ऐसे काम करते हैं। 5-7 मौतें हुई हैं यहाँ इस पावर हाउस से, पहले भी, पहले 1 हफ्ते पहले हुई है। किसी के गोद टूटा है, चलो हम विकलांग सब है, मौत हुई है अभी 1 हफ्ता। फिर क्या हुआ? वो करंट लगने के बाद उठा के ले गया घर पे, सूचना भी नहीं दिया। वो भी ले गया सरकारी अस्पताल में। किस जगह लगी? अब करंट किस जगह लगी वो भी हमको रोहिपट्टी में। अच्छा, आ जाओ आगे आ जाओ, आपको जानकारी। क्या नाम? राशिद। किस जगह हुई? चनौकी रोहिपट्टी। चनौकी रोड पर बिजली बनाने गए थे। 11 भाई साहब का क्या नाम था जिसकी? जितेंद्र निषाद। जितेंद्र निषाद, मतलब जितेंद्र निषाद रोहिपट्टी में गए थे बिजली बनाने, और उसके बाद यहाँ से तो लाइट कटी ही थी ना, यहाँ से लाइट काटा गया होगा। यहाँ से लाइट सिद्धांत लिए थे, वो खंभे पे चढ़ गए। यहाँ जो कर्मचारी हो फोन करने के पहले सिट डाउन तो लाइट चालू कर दी। और मेरा भाई मतलब बिना फोन यहाँ से बताए हुए चालू कर दिए। उसकी करंट लगने से मौत हो गई। और सुबह वो मेरा छोटा भाई है। कब हुई? टाइम तो नहीं मालूम, लगभग 7-8 बजे, 7:30 या 8। जान नहीं रहता वो सुबह, हम लोग वो पहले काम करता था, हम लोग उसको मना किए थे। अभी एक मौत हुई थी 10 दिन पहले, तो हम लोग उसको बहुत डांट डपट के मना कर दिए, कभी ऐसा काम नहीं करना है। तो क्या है, वो सुबह ब्रश व्रश करके उठा, वो जो लाइन मैन है, क्या नाम है उसका, रवि उपाध्याय, वो गए उपाध्याय लाइन मैन, उसको घर पे जाके उसको जबरदस्ती लिवा के गए। हम लोग थे नहीं, उसको जबरदस्ती लेके गए, चढ़वा दिए खम्भे पे, सिट डाउन लिया। वो काम कर रहा था, फोन करने के पहले इधर लाइट चालू कर दिए, उसके करंट लगने से मौत हो गई। अच्छा। कौन से गांव? ये जानबूझ की घटना है, नगर छतौना। कौन से गांव? नगर छतौना, प्रतापगढ़ जी। कौन सा थाना लगता है? आसपुर देवसरा जी। मतलब आप लोग अभी ये 7:30 बजे सुबह की बात? हाँ, 7:30 बजे सुबह की। अच्छा, इसके पहले आप लोग बता रहे हैं कि हफ्ते भर पहले किसी की मौत हुई थी? हाँ, 1 हफ्ते पहले मौत हुई है। 4 लोग ऐसे हैं जो विकलांग हुए हैं यहीं से। इसकी मौत होती है तो जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, जो जिला स्तर के हैं, उस पर कुछ संज्ञान होगा? कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सब ऐसे मर रहे हैं, कोई विकलांग हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा,
यहाँ से अभी 10 दिन पहले जो हुआ था उसका भी कुछ नहीं हुआ है, हम लोग तो यहाँ नहीं, वो मर गया बात खत्म। आप लोग कुछ सूचना वगैरह दिए नजदीकी थाने पे किसी को? सब हुआ है। क्या चाहते हो अभी आप लोग, क्या कर रहे? हम लोग, मैं क्या चाहता हूँ, मैं हमारा चाहता हूँ, अगर वो गलत किया है तो वो हम लोग को सामने चाहिए। हमारा भाई खत्म हुआ है तो रवि को सामने हमको चाहिए, रवि उपाध्याय को अपूर्व है। वो यहाँ पे आ नहीं रहा है, भाग रहे कब से, फोन पे झूठ बोल रहा है, यहाँ हूँ वहाँ हूँ, झूठ बोल रहा है कब से, आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा कब से। आएगा नहीं आएगा तो हम लोग सीधे उसके घर पे जाएंगे, चाहे कुछ भी रहेगा तो हम। ये सबसे बड़ी बात, मेरा चचेरा भाई है वो। अच्छा, आप क्या नाम आपका? संजय निषाद। संजय निषाद जी, उसकी जो मृत्यु का वजह है रवि उपाध्याय है। ऐसे कैसे, मतलब कुछ समझाइए कैसे? जबरदस्ती उसको उठा करके लेके गए खंभे के पास। रवि उपाध्याय लाइनमैन है, लाइनमैन है यहाँ के, पता नहीं परमानेंट है कि संविदा पे है कि है कि नहीं है, ये भी कंफर्म नहीं है। खुद रवि उपाध्याय को मालूम आप कहाँ के रहने वाले हैं? अरे बिल्कुल मालूम है, सब मालूम। रवि उपाध्याय पूरा के हैं, पूरा जी, फैजाबाद है। नहीं पूरा सर, ये ढकवा पास में है, नगर पंचायत ढकवा में ही है वो, पूरा एक ग्राम सभा है, वहाँ के निवासी हैं। अच्छा। वो जबरदस्ती हमारे कंफर्म नहीं है कि वो संविदा पर हैं या कुछ, ये कुछ नहीं है, प्राइवेट कुछ नहीं पता है। जबरदस्ती इसको लेके गए, इसका लाइट से कनेक्शन से जोड़ने से कोई लेने देना नहीं है, इसको जबरदस्ती लेके गए और लालच दे करके खम्भे पर चढ़ा दिए, लालच देकर, जबकि कुछ है नहीं, इसको जबरदस्ती लेके गए खंभे पर चढ़ा दिए लालच दे करके, और मना करने के बावजूद भी उसको जबरदस्ती चढ़ा दिए, और उसके साथ ये घटना हो गई। और यहाँ पर क्या नाम था उनका, जो सुखेन यादव, सुखेन यादव, सुखेन यादव यहाँ पर यशस्व हैं, जो फीडर जी वर्तमान ड्यूटी उन्हीं की थी, और उन्होंने फीडर वो यहाँ से फरार है। जब इसके पहले आप बता रहे हैं कि हफ्ते भर पहले कोई और एक्सपायर हो गया था, किसी की और मृत्यु हो गई जी, तो क्या उसमें एसएसओ, उसमें कुछ कार्रवाई की मांग कुछ हो, कुछ नहीं हुआ, कुछ कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसएसओ तब भी सुखेन यादव थे, आज भी सुखेन यादव हैं, इनकी वजह से 4-5 मौतें हुई है यहाँ पर। मतलब सुखेन यादव जो एसएसओ है उनकी वजह से जी, वो वजह क्या है कि वो नशाखोर आदमी है, तमाम शराबियों के यहाँ पर जय साहब काम करने जाते, काम करने नहीं जाते हैं, जब जाते भी हैं तो नशा में लुप्त रहते हैं, तो उन्हीं को मिल रही है ना बिजली, वो नशे में रहते हैं हमेशा, और नशे में अगर नशाखोरों को इस तरह का से हमारे पावर हाउस पे बैठा दिया जाएगा तो इसी तरह की घटनाएं लगातार होती रहेंगी। आपको जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर वो लगातार 24 घंटे नशे में धुत रहते हैं, कब फीडर को ऑन करना है, कब ऑफ करना है, कौन बोला था लेने के लिए। जब यहाँ पर मृत्यु आप बोल रहे हैं कि एक हफ्ते पहले भी हुई, तो जिला स्तर पर जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, जो जेई हैं जी, उनको तो जानकारी हुई होगी ना? पक्का, देखिए जेई साहब को जानकारी हुई, जो हमारे यहाँ के सरकारी लाइन मैन है वह स्वतः अपने सामने ही अपने बेटे को खम्भे पे चढ़ा दिए थे, और खम्भे पे चढ़ाने के बाद उनके सामने उनका बेटा जल के राख हो गया, फिर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई हमारे जो सुखेन साहब के साथ में है। अब ये पता नहीं विभाग की कौन सी करप्शन है, कौन सी बात है, क्या तालमेल है, क्या घालमेल है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उन्हीं के साथ, उन्हीं के मौजूदगी में सब सर्विस कर रहा है, जो सैलरी पा रहा है, कहीं अपने आप को सुरक्षित करने के लिए दूसरे को चढ़ा रहा है। बिल्कुल, वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए किसी निजी व्यक्ति को बुलाता है, बुलाने के बाद उसको खंभे चढ़ा देता है। ना चढ़े 200 पहिए 100 रुपये अपनों ले ही, और 100 रुपये कहीं भाई तुल, और क्या वैसे थोड़ी 200 रुपये काम रहेगा, 100 रुपये बाकी के देगा, और जो भाई मेरा मरा 100 रुपये उसको देगा, 100 रुपये रवि भाई लेगा। सगे भाई है, और क्या सगा भाई, मेरे से बड़ा है भाई, पिताजी पिताजी मम्मी सब है, मैं इनके फादर है, इनके पिताजी है जिसकी मृत्यु हुई है, बच्चे की उससे बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम आपका सर? राम स्नेही निषाद। कैसे ये सब हुआ, कुछ घटना के बारे में जानते हैं। भैया बार बार हम मना कहे अपने लड़किया कहाँ आई, जे लियाई गए रवि के, उन मना कहे भैया जवन आई है हमारे लड़किया के पीछा छोड़ दा, लेकिन फिर भी रवि ना ही माने, जवन आई है सवेरे वही लड़कवा सोबत रहा है, आई के उठाई के भैया हम तो जवन हाई चला गए काम पे, सवेरे जवन हाई है निकल ले के जवन हाँ मेरे लड़किया के लिया, आज सुबह के बाद भैया जवन आई है, यही 7-8 बजे की बात आई है। हाँ 7-8 बजे हाँ, आपके जो बेटा था आपका वो घर पर था? हाँ घर में भैया सोवा रहा, जवन आई है पहुँचे गाड़ी से, रवि जो है रवि, हाँ रवि, हाँ लाइन मैन, हाँ पहुँच गए भैया जवन आई है, वो कल आई के निकल रहे हैं जवन आई है, और हमका का पता जवन आई है आपके
कि जहाँ पर वो एक्सपायर हुआ है, जहाँ पर लाइट बिजली उसको लगी है, लगा है, वहाँ से कितनी दूरी? 3 किलोमीटर है। हाँ, 3 किलोमीटर है जो बनाई है गोसाई पूरा, 3 किलोमीटर दूर है गोसाई का पूरा। हम माने हमारे घर से 3 किलोमीटर दूर है। सुबह वो लेके आया और जबरदस्ती हमारे भाई को उठाया, उठा करके ये लेके सीधा चला गया उस साइट पर जहाँ पर उसकी डेथ हो गई है। वहाँ पर चढ़ाया खंभे पर चढ़ाया। उसके बाद वहाँ पर खंभे पर चढ़ाने पर ऐसा होता है, जब तक मेरी जानकारी में है कि जब तक व्यक्ति उतर नहीं आता तब तक उसका फोन कॉल चलता रहता है कि जब उतर के वो बता देता है, एक दो बार कंफर्म कर देता है कि नहीं मैं उतर गया हूँ अब आप लाइट स्टार्ट करो, यही होता है जी आमतौर पर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, चूंकि रवि उपाध्याय का कनेक्शन सुखेन जी के साथ था, शट डाउन लेने की जिम्मेदारी रवि उपाध्याय की थी सुखेन के साथ बात करके, तो इसमें कहीं ना कहीं कमी जो है हमको रवि उपाध्याय की लग रही है कि या तो सुखेन जी को सही जानकारी नहीं दे पाए कि आप शट डाउन को शट ऑन कर दीजिए, या तो ये जो है चाहते थे कि इस तरीके की वारदात हो जाए। अब ये जिम्मेदारी पूरी तरह से रवि उपाध्याय को दी जा रही है हम लोगों के हिसाब से। पहले हम उनको जवान है बोला रहे, हम कहें हमारे बेटवा कुछ होए, हम तो कम मार डर जवान है महाराज छोड़ दिया जवान है मेरे बेटवा पीछा, लेकिन तब भैया ना ही माने जवान हाई है। अभी आप लोग डेड बॉडी लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या मांग कर रहे हैं आप? हम लोग चाहते हैं सर, मेन बात यही, हम यही चाहते हैं कि जिसके थ्रू हमारे भाई की डेथ हुई है उसको कठोर से कठोर सजा दी जाए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि जिस तरीके से विद्युत विभाग के कर्मचारी नशाखोरी करके साइट पर काम करने के लिए आते हैं, ऐसे लोगों को यहां से सस्पेंड किया जाए, हटाया जाए। तीसरी बात यह है कि जेई साहब इस मामले को संज्ञान में गंभीरता से लें और गंभीरता से लेने के बाद गंभीरता पूर्वक कार्रवाई करें और कुछ ऐसे पदाधिकारियों की यहाँ पर नियुक्ति करें हमारे पावर हाउस पर, नगर पंचायत ढकुआ के, कि जो जिम्मेदार व्यक्ति। यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं, इन लोगों का आक्रोश जायज है, और जिस तरीके से ये उपकेंद्र ढकवा नगर प्रतापगढ़ में ये घटना हुई है, महिलाएं भी यहाँ उपस्थित हैं और महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, मांग कर रही हैं कि जाओ यहाँ का सब स्टेशन ऑपरेटर है वो यहाँ पर आए, या फिर जेई जो बिजली विभाग के जो जूनियर इंजीनियर हैं वो यहाँ पर आएँ और बातचीत करें। फिलहाल डेड बॉडी भी यहाँ पर है और डेड बॉडी को रख करके ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सर सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा भाई है उसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। वह बेचारा जो है उसके घर के पिताजी की हालत आप देख ही चुके हैं भी, इसके पहले दिखाया गया आपको। आइए इधर। यह कमाने लायक नहीं है इनकी अवस्था के और स्वास्थ्य के हिसाब से। हम सरकार से यह अनुरोध करना चाहते हैं और प्रशासन के बड़े अधिकारियों से या इस विभाग के बड़े अधिकारियों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि उसको कुछ आर्थिक सहायता, चाहे वह सरकार द्वारा दिया जाए या फिर विद्युत विभाग द्वारा अधिकारियों के द्वारा, कुछ न कुछ उसको आर्थिक सहायता दिया जाए ताकि उनके माँ बाप को जीविकोपार्जन या जीवित रहने के कुछ संसाधन मिल जाए। सर बस हमारी यही विनती है और मैं बार बार यही रिपीट करना चाहूँगा जो पॉइंट्स हमने बोला अभी, कि कम से कम मेरी विनती है प्रशासन द्वारा या बड़े अधिकारियों द्वारा जो विद्युत विभाग के जिले लेवल पे हैं, स्टेट लेवल पे हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल लापरवाही ना करें, क्योंकि यह छठवीं मृत्यु है, लापरवाही का नतीजा ये छठवीं मृत्यु है, लगभग एक साल के अंदर छठवीं मृत्यु है और लगातार। फिर भी यहाँ के जो जूनियर इंजीनियर है, जो सब स्टेशन ऑपरेटर है, वो जरा सा भी ध्यान, बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे। अभी एक हफ्ता पहले ही हमारे यहाँ एक दूसरी घटना इसी तरीके से हो गई थी, जो बेचारा पूरी तरह से जल के राख हो गया था, और यह एक हफ्ते में दूसरी लगातार वारदात हुई है। लापरवाही का नतीजा है कि यहाँ पर कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाए और किसी एक जिम्मेदार कर्मचारी को यहाँ पर नियुक्त किया जाए जो जिम्मेदारी पूर्वक अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके और लोगों को सुरक्षित रख सके। मेरी यही अपील है।